जैन तत्विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोय सव साम पंच परमेश भगवान की जय अगले पैंतालीस मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें तो हमारा जो विषय है इसमें मुनि आचार या मुनि राज की जीवनचर्या उनकी चर्या जीवनचर्या तो नहीं चर्या कैसी रहती है दीक्षा लेने के बाद वो क्या फॉलो करते हैं कैसी उनका तो, मतलब चारित्र कैसा है किसे चारित्र कहते हैं जब हम कहते हैं ना रत्नात्रय तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है ना तो चारित्र से की उत्कृष्टता क्या होती है है ना जब हम कहते हैं कि भाई कर्मों की निर्जरा करनी है उसके लिए चारित्र चाहिए तप चाहिए तो वो सारी चीजें हमें बुक की इंफॉर्मेशन नहीं है ये कि चारित्र कुछ होता है और वो करना है ना उसको वो लोग करते कैसे है अपनी लाइफ में वो उतारते कैसे है ठीक तो कल हमने देखा था उत्तम क्षमा जो Uh, मुनिराज हैं वो दस प्रकार के जो आत्मा के लक्षण होते हैं उसकी क्वालिटीज हैं उनको अपनी लाइफ में डे टू डे में फॉलो करते हैं क्योंकि दस लक्षण जो हैं या दस धर्म कह लीजिए उनसे संवर होता है संवर का कारण होने के कारण कर्मों का आना रुकने के कारण मुनिराज के लिए उनको फॉलो करना एक गोल पार्ट ऑफ गोल बन जाता है राइट कि भाई उनका गोल क्या है कर्मों को पूरी तरह नष्ट करना पूरी तरह नष्ट करने के लिए पहले तो जो नए आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा ना तो फिर उसके बाद तप की जो उनका तप करते हैं बारह तप आगे पढ़ेंगे अपन उस तप से वो जो बंधे हुए कर्म है पहले बांध लिए थे अज्ञानता से पिछले भवों में राइट तो उनको काटने के लिए वो निर्जरा तप करते हैं उनकी निर्जरा के लिए ठीक तो सब कुछ एक साथ करते हैं वो ठीक है ना या तो पुण्य का आश्रव करेंगे या पाप का पाप कार्यों का संवर कर देंगे और जो बंधे हुए कर्म उनकी निर्जरा करते हैं उनके जीवन का लक्ष्य ही सिर्फ कर्मों को काटना बन जाता है ठीक है ना कि अब कैसे भी मैं कर्मों को ना बांधू या अगर बंध गए हैं तो उनको काटू ठीक तो इतना फोकस जब उनका कर्मों की तरफ रहता है हर समय और अपने आत्म कल्याण की तरफ ध्यान रहता है तो जो आत्मा की क्वालिटीज हैं राइट उनको भले ही कषाय के उदय से ऐसा नहीं है कि मुनिराज को गुस्सा नहीं आता राइट उन्हें भी आ सकता है लेकिन अपने कल्याण के लिए वो अपनी आत्मा के क्वालिटी का यूज करते हैं ठीक है थीके? तो क्षमा करना हमारा स्वभाव है ठीक है हमारा विभाव क्या है क्रोध करना क्रोध विभाव हो गया और क्षमा स्वभाव हो गया ठीक तो ऐसा कुछ करते हैं वो तो उनका फोकस होता है कर्म नहीं बांधना उसमें कहीं पर भी ये नहीं होता कि वो अपने आप को कुछ शो ऑफ करना चाह रहे हो कि अपने आप को नाम ख्याति पूजा के लिए ऐसा क्षमा दिखा रहे हैं ताकि लोग उन्हें बहुत शांत माने और उनको पूजे है ना नहीं उनका सिर्फ एक ही गोल रहता है कि कैसे ना कैसे करके मुझे अपने कर्मों को जीतना है ठीक तो अगर वो क्रोध करेंगे तो दूसरे का भी मन खराब होगा और उनकी आत्मा का तो पहले ही घात होगा क्योंकि क्रोध है मोहनीय कर्म का पार्ट और मोहनीय कर्म क्या है घातिया कर्म किसका घात करते हैं आत्मा के गुण का है ना तो हो गया ना क्षमा क्या है आत्मा का गुण है और क्रोध क्या है मोहनीय कर्म कर्म जो कि विभाव है ठीक इसलिए मुनिराज ना चाहते हुए भी या ये कह लीजिए कि अपनी आउट ऑफ उनकी रीच हो तो भी क्षमा में हमेशा बने रहते हैं ठीक है फिर हम सेकंड पॉइंट पे आए उत्तम मार्दव मार्दव या मृदुता है ना कोमलता अच्छे से बात करना और व्यवहार में एकदम जो बेसिकली ये हमारे किस विभाव का अपोजिट है मान करने को मान अहंकार मद है ना ये क्या है विभाव हो गए जिसकी जितना ज्यादा मद बहुत ज्यादा मत भी हो सकता है और हल्का फुल्का मद भी हो सकता है राइट तो जिसका जितना ज्यादा मद उसका उतना ज्यादा इसका मतलब कि मोहनीय कर्म स्ट्रॉन्ग है है ना? मोहनीय कर्म की फर्दर कैटेगरीज हमने देखी थी अनंतानुबंधी है ना प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संज्वलन तो जिसमें अनंतानुबंधी होगी तो वो ऐसा मध करेगा कि आ, दूसरे को नीचा दिखाने वाला है ना इस तरह का मध तो हमने वो सारी चीजें कहाँ पढ़ी थी सम्यक दर्शन के जो पच्चीस दोष है उसमें देखी थी ठीक तो मार्दव में क्या करते हैं मुनिराज क्या करते हैं चित्त में मृदुता और व्यवहार में विनम्रता मार्दव है जिसके पास कषाय नहीं होगी तो वो ही विनम्र होगा झुका हुआ होगा है ना मान होगी तो के रहेगा है ना कि मुझे पूछा क्यों नहीं मुझे ये चीज बाकी आ, सबसे तो मेरा नॉलेज ज्यादा है तो मुझे ज़्यादा क्यों नहीं पूछा एक्स्ट्रा क्यों नहीं पूछा या मेरा ज्ञान ज्यादा है या मेरा आ, तप ज्यादा है तो मुझे नहीं पूछा है ना दूसरे का तप तो कम था उसको कैसे पूछा इस तरह के जो भाव है ये मुनिराज में नहीं रहते क्योंकि उनको पता है कि ये सारा जो आ, सम्मान मिलना इत्यादि चीजें होती हैं यश कीर्ति ये सब कर्म के उदय से होती हैं ठीक है ना और कर्म आश्रित वो अपना जीवन नहीं चलाते जो चीज कर्म से आश्रित है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है क्रोध कर्म से आश्रित है इसलिए उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है है ना मान करना कर्म से आश्रित है इसलिए वो उसमें इंडल्ज नहीं होते तो जो रियल व्यवहार है रियल स्वभाव है हमारा अगर हम क्षमा करना जानते हैं किसी को तो क्षमा कौन कर सकता है जिसमें मान नहीं होगा वो ही क्षमा करेगा है ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तम क्षमा है और उत्तम मार्दव नहीं है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जिसमें उत्तम क्षमा है वो ही सारे के सारे धर्म उसके अंदर होते हैं एक उत्तम क्षमा होने वाले को कह सकते हैं उसमें बाकी के सारे धर्म हैं ठीक है ना तो यह मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है नंदा जी कुछ कह रहे हैं। एक चीज पूछना रही थी अभी जैसे आपने मतलब अगर ये हम उत्तम क्षमा या उत्तम हम जैसे में अपने अंदर भी लाने की कोशिश करते हैं तो पहले तो हमें किसी पे सपोज गुस्सा आ रहा है जी। लेकिन मतलब गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है तो हमारी जो अंदर बैठी सोल है वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन वो इंडिकेशन देती है कि हम कर रहे हैं फिर हम अपने भावों को संभालने लगते हैं जी तो उसको क्या कहेंगे कि तब भी वो आत्मा से चिपक रहे हैं या ये कहेंगे कि हमने आत्मा का इंडिकेशन समझ लिया और हम अपने आप को ठीक करने के फिर हम मतलब इंडिकेशन से मतलब कि कहीं पे आपको दर्द होने चाहिए परेशानी होने लगी लगेगी अपने आप को एकदम से ठीक कर लेते हो कि नहीं नहीं हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए या हमको क्षमा चाहिए तो ये आप क्या कहेंगे किस कैटेगरी में ये कषाय हाँ कषाय हाँ, की मंदता की कैटेगरी है जब हमें ये रियलाइज होगी नहीं हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है जब हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं करना ठीक है ना इसका मतलब है कि हमें उसमें कमी पता है है ना एक तो है कि हम उसपे वर्क वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन फर्स्ट स्टेप इज कि हमें पता हो कि ये चीज गलत है तो वो हमारी अंतरात्मा जो भी आप कह रहे हैं आवाज अंदर से आती है वो कहती है नहीं नहीं गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है गुस्सा करने के बाद कितनी गिल्ट फीलिंग आती है बाद में क्यों करना गुस्सा है ना तो ये जो चीज है ये अंदर की आवाज को सुनने की इच्छा होना वो कब पॉसिबल होगा जब कषाय मंद होगी नहीं तो हम क्या करेंगे तीव्र कषाय में उस अंदर की आवाज को भी दबा देंगे कि चुप बैठो तुम्हें क्या मतलब है कितना उसने हमें नीचा दिखा दिया ऐसे कैसे उसे गुस्सा ना करके दिखाए हम इस तरह के भाव भी आ सकते हैं ठीक है ना तो मंद कषाय में आप सोचिए मंद कषाय का मतलब ये है कि हमारे जो इंटेंसिटी है कर्म करने की वो कम है तो इसका क्या मतलब है कि हम जो नए कर्म बांधेंगे वो भी कम ही बांधेंगे कम इंटेंसिटी वाला बांधेंगे ठीक है तो गुस्सा उदय में आया एकदम से आने को भी हुआ तो जितनी देर कि जितने भी समय के लिए या जितने भी क्षण मोमेंट्स के लिए वो गुस्से का आवेश आया उतनी देर तक का बस हमें कर्म बंधेगा हमने कोई रिएक्शन नहीं किया इसलिए वो रिएक्शन नहीं करने की वजह से नया कर्म जो बंधेगा वो बहुत माइल्ड होगा मेक सेंस बहुत अच्छा थैंक यू अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर मान से रिलेटेड ठीक है सब इंटरमिगल है यहाँ पर सब एक दूसरे से रिलेटेड है कनेक्टेड है तो किसी को भी अलग से मत देखिएगा कि अरे क्षमा करना है मुझे तो ज्यादा ना वर्क क्षमा पे करना है मुझे मारदव पे नहीं करना है ऐसा नहीं जिसमें मारदव है उसमें क्षमा भी होगा ठीक है और जिसमें क्षमा है उसमें मारदव भी होगा ठीक है तो बहुत साथ में चलने वाली चीजें हैं ये ठीक तो यहाँ पर मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है व्यवहार जो मृदुता का व्यवहार है जब हम किसी से बहुत शांत तरीके से बात करते हैं उसने हमें गाली भी दे दी उसने हमें नीचा भी दिखा दिया फिर भी हम उससे विनम्रता के साथ नम्र होकर बात करें ये क्या है उत्तम मार्दव ठीक है क्योंकि इसमें हमें वो पर्सन एक तरह से हमारे कर्म काटने में सहायक दिखाई दे रहा है बजाय ये देखने के कि अरे उसने हमें नीचा दिखाया हम है ही कौन देखा जाए तो कर्म से ये शरीर मिला ठीक है ना मुनिराज की सोच क्या रहती है कि ये जो शरीर है ये तो टेम्परेरी है और कोई मेरी आत्मा को नीचा नहीं दिखा सकता क्योंकि सब में गुण समान है अनंत शक्ति का भंडार सबकी आत्मा है तो कौन किसको नीचा दिखाएगा समझ रहे तो जो आज के टाइम में अगर कोई मुझे नीचा दिखा रहा है ये मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है मेरी यशकीर्ति कमी है है ना ये नाम कर्म का एक प्रकार है यशकीर्ति रिस्पेक्ट किसी को ज्यादा किसी को कम उसी सेम चीज पर राइट तो इसलिए ये सारे चिंतन करते हुए उन्हें इस चीज से मतलब ही नहीं रहता उनका ध्यान सिर्फ अपनी आत्मा को बचाने में लगा रहता है कि नहीं मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूं जिससे नया कर्म बंधे है, है ना क्योंकि कषाय करेंगे मान करेंगे तो कर्म तो उनके बंधेगा ना सामने वाले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना तो इसलिए उनकी अवेयरनेस है ये दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस ठीक तो जाति कुल रूप ज्ञान तप वैभव प्रभुत्व और ऐश्वर्य संबंधी अभिमान मद कहलाता है हमने इसको बहुत अच्छे से एक एक को पहले पढ़ रखा है ठीक है ना तो जाति कुल रूप सारी जो चीजें हैं किससे रिलेटेड है हमारे इस भव के शरीर से रिलेटेड है ठीक है आप ध्यान से देखिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी आत्मा से रिलेटेड हो इसमें ठीक है ना तो अगर हम इसमें अभिमान करेंगे तो ये हमारे मिथ्यात्व का पोषण भी कर सकता है अगर हम किसी से बहुत ईर्ष्या बांध लें बैर बांध लें कि उसने मेरे रूप की तारीफ नहीं की ये राइट? या किसी का रूप देख देख के वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करता रहे ज्ञान को देखकर, तप को देखकर, तो वो हो सकता है अपने अंदर मिथ्यात्व का बंद कर ले ठीक है ना और मुनिराज का क्या है भले ही वो बाहर से फिर द्रव्य से मुनिराज है लेकिन अंदर से क्या हो गए सामान्य ग्रस्त की तरह से हो गए प्रथम गुण स्थान में चले गए कितना बड़ा लॉस हो गया एक अवेयरनेस को छोड़ देने से अवेयरनेस क्या होनी चाहिए थी कि मैं सोल के कल्याण के लिए ये तपस्या करने के लिए तैयार हुआ हूं ये दीक्षा मैंने सोल के लिए ली है ना कि शरीर के लिए ना कि अपने मान के लिए है ना तो जो भी हम अपने कल्याण आत्मा के कल्याण के लिए बात करें तो उसमें अभिमान नहीं आएगा ठीक है ना क्योंकि सब सोल बराबर है इन्हें विनश्वर समझकर मान कषाय को जीतना उत्तम मार्दव कहलाता है है ना शरीर आश्रित जितने भी चीजें हैं अगर उनमें हम मान, मान को छोड़ दें क्योंकि सब कुछ विनश्वर है अगर हम आ, हो सकता है हम बारह भावना को याद कर ले उस समय अशुचि भावना को याद कर ले अनित्य भावना को याद कर ले अन्यत्व को याद कर ले है ना तो ये सारी चीजों में मान आने ही नहीं पाएगा मान किस चीज का करे रूप का मान कैसे कर ले जब इतना अशुचि रूप अशुचि शरीर है है ना जाति कुल क्या है कोई किसी का साथी नहीं है कितनी बार कितनी क्या क्या जातियां हमने भोग रखी है तो इस तरह के चिंतन से भी जो है मुनिराज जो है अपना मार्दव गुण को बनाए रखते हैं ठीक उत्तम आर्जव आर्जव है रिजता सरलता ठीक है जैसे अपन बोलते हुए तो बहुत पाए जाते हैं लेकिन इस बात को हम बहुत अंदर तक अच्छे से नहीं समझ पाते कि आर्जव चीज़ क्या है है ना एक जब हम बचपन में रहते हैं सभी को याद होगी तो आजकल के टाइम के बच्चे तो खैर वैसे भी बच्चे बच्चों में भी बहुत तेज़पना तेज पना कह लीजिए या स्मार्टनेस जिसे कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट वर्ड यूज करते हैं चालाकी रहती है तो वो जो ये सब चीज़ें कहने को हम आज की डेट में उसकी क्वालिटी समझते हैं लेकिन ये हमारी सरलता को हमारे ओरिजिनल जो बिहेवियर होना चाहिए सरलता वाला उसको छीनने वाली चीज़ है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है स्ट्रीट स्मार्ट होना या बहुत चालाक होना है ना तो अपने को ये बात भी समझने की है कि हम इस तरह का रियलिटी को समझें जो जितना सरल होता है उसका उसके अंदर विशुद्धि उतनी तेजी से बढ़ती है तो अब हमें चॉइस हमारी है कि हम सरलता को इम्पोर्टेंस दें कि हम चालाकी को इम्पोर्टेंस दें ठीक है ना हो सकता है आज के टाइम पंचम काल है और जिस तरह से लोग एक दूसरे को लूटने में और बुद्धू बनाने में लगे रहते हैं हो सकता है सरल लोग बहुत बेवकूफ माने जाते हो लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें आत्मा के लेवल पर देखें तो सरल होना बहुत बहुत ज़रूरी है रत्नत्रय की मार्ग में मोक्ष के मार्ग में क्योंकि सरलता से हमारी कक्षाएँ मंद रहती हैं और हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है ठीक अगर आपको याद हो तो सम्य दर्शन पाने के लिए कषायों का मंद होना बहुत ज़रूरी है ठीक और अगर हम अपने आप को स्मार्ट ही मानते रहेंगे राइट कि नहीं उसने मुझे ऐसा बोला मैं उसको मजा चखाता हूँ और उसको पता भी नहीं चलेगा मैंने उसको मजा चखा दिया ठीक तो इस तरह की चालाकियां करना मतलब निकालना ये सरलता में नहीं आता सरलता तो इतनी ऐसी चीज है कि मतलब सागर महाराज जीवन ये तक कहते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है चीजों के साथ ये चीज़ बताती है कि उसकी सरलता किस लेवल की है जैसे कोई दरवाज़ा बंद करने से रिलेटेड राइट right? कोई है बहुत तेज़ी से दरवाज़ा बंद करता है कोई है बहुत स्लोली स्लोली दरवाज़ा बंद करता है कि दरवाज़ा भी मतलब वहाँ भी जीव हैं उसके बीच में भी तो मैं कितना इस बात की अवेयरनेस रखे हुए हूँ कि एक दरवाज़े को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट दूँ नो इतनी सरलता एक बच्चे के समान सरलता जिसे कहते हैं ना तो वो जब होती है अंदर में तो हमारा आत्म कल्याण होता ही होता है ठीक हाँ नंदा जी कुछ शेयर करें एक चीज मन में आ रही है कि आप सरल होते हैं और बहुत समय तक सरल रहते हैं लेकिन आ, लोग सोचते हैं कि आपको तो फिर कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म फिर आपके ऊपर वो मतलब कुछ भी कहते जाते हैं कहते जाते हैं फिर आपका भी एक पेशेंस खत्म हो जाता है तो जब पेशेंस खत्म होता है फिर आप कुछ बोलते हो पलट के जवाब देते हो अगर कुछ तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है और उस समय तो बात और खराब हो जाती है इससे तो बेटर इस तो है मतलब आप क्लैरिटी रखें कि जो आपने कहा है वो गलत है ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हाँ, मतलब... हाँ, करना चाहिए एक्चुअली देखिए अपना अभिप्राय बताना तो अच्छी बात है ठीक है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन क्लियर रखना ठीक है उसमें कहीं पर भी अंदर में मायाचारी ये ना हो कि दूसरे को मेरे भाव ना पता चल जाए ठीक है ना तो ये सरलता कहलाएगी अगर आप कम्युनिकेट कर दे अपना अभिप्राय कि मुझे ये बात ऐसे समझ में आ रही है या आती है ठीक है ना तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सामने वाला उसे वैसे ही समझे ये जरूरी नहीं है ठीक है ना आपने अभी अपना अभिप्राय बता दिया लेकिन सामने वाले को आपका अभिप्राय वैसे में समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें फिर विकल्प करने की जरूरत नहीं है वो आपको अगर नहीं समझ पा रहा है तो इट्स ओके लेकिन आपको अपने अंदर पता रहना चाहिए कि आपने जो बात कही या अपना अभिप्राय बताया वो वाकई में वो है या कुछ और था तो उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो बेसिकली इसको आप दूसरे शब्दों में कहें तो अपने खुद के लिए हमें ऑनेस्ट होना है फिर दूसरा कुछ भी समझता रहे ठीक है थीके? इसके लिए हम अपने आप को जितना अच्छे से समझेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है बहुत अच्छा ठीक है तो यहां पर सरलता का क्या मतलब बताया बाहर भीतर एक होना मन में कुछ वचन में कुछ तथा प्रकट में कुछ यह प्रवृत्ति कुटिलता या मायाचारी स्वभावी वाली बात कर रहे हैं राइट कि मन में कसाई नहीं हूँ लेकिन हम आजकल तो अपने बच्चों को भी तो वही सीख देते हैं कि नहीं तुम्हें थोड़ा तेज होना चाहिए ऐसे तो लोग तुम्हें पालो बनाए तो इसका मतलब हम उन्हें गलत समझा रहे हैं हम्म बिल्कुल गलत समझा रहे हैं डेफिनेटली क्या God. है कि, हाँ यही तो देखिए क्या है कि हम बहुत प्रतिकूल वातावरण में रह रहे हैं ठीक है जहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है जहां पर हिंसा बढ़ रही है झूठ चोरी बढ़ रही है सब कुछ ऑपोजिट साइड में जा रहा है ठीक है ना तो हमें लगता है कि हम भी सर्वाइवल के लिए हम इस तरह का उनको कहें कि नहीं तुम ऐसा करो ठीक है तो वो जो चीज है डेफिनेटली पर स्पिरिचुअलिटी ठीक नहीं है ठीक है ना वो बच्चे की सरलता को छीनने वाली बात है बच्चा अपनी सरलता में हो सकता है थोड़ी बेवकूफियां वाली हरकतें भी करे कि किसी ने उसको uh, उसकी चीज छीन ली और वो बैठा है वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है कुछ ऐसी बिहेवियर भी हो सकता है ना और हम उसको कहते कि नहीं तूने ऐसा पलट के उसको कहा क्यों नहीं है ना हुँ. तो इस तरह की बातें बहुत आम होती हैं बच्चों की लाइफ में राइट और फिर हम उसको समझाते हैं सिखाते हैं कि अरे तूने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया लेकिन आप उसको दूसरी तरह से भी सिखा सकते हैं बच्चे को कि उसने क्या गलत किया उस बच्चे ने और आपको क्या करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है इसमें ठीक है ना तो इस तरह के ऑप्शन देने से वो ज्यादा बेटर है कि हम उसको बात को समझाएं ठीक है ना सरलता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी डोंट वांट किड टू लूज दिस सरलता क्योंकि क्या होगा अभी तो हम उन्हें बहुत तेज बना देंगे लेकिन आगे चलकर जब वो तेज में उन्हें ये याद नहीं रहेगा कि मैं दूसरे के साथ मायाचारी कर रहा हूँ उससे पहले तो वो मायाचारी अपने आप से कर रहे होंगे और हम उनके एक बहुत बड़ा हम उनके कर्मबंध का कारण बन जाएंगे तो बेसिकली अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तो वो उन्हें सही गाइडेंस दे पाएंगे आ, हाँ. तो देखिए कोई किसी को बेवकूफ तभी बनाता है है ये मेरा सोच है, आप समझिएगा इसको आ, कोई किसी को बेवकूफ बनाना या किसी को परेशान करने की कोशिश तभी करता है जब हमारा कर्म कमजोर हो जब हमारा पुन पाप का उदय हो चल रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी से भी बात करें अपने परिवार में किसी कोई भी हमसे गाइडेंस मांगे या हम खुद के लिए भी सिर्फ अपना पुण्य बढ़ाने पर ध्यान दें ऐसी क्रियाएं करें जैसे बच्चे भी हैं तो शांत बैठे दस मिनट के लिए कुछ विचार ना करें शांति से बैठें ठीक है तो वो दस मिनट में बहुत अच्छे पुण्य कार्य वो पुण्य बांध सकता है और वो पुण्य फिर उसके और कामों में यूज होगा ठीक है ना तो हर एक चीज पर अप्लाई होता है ये ऐसा मत समझिएगा कहना आसान है कि ठीक है जाओ तुम भी उसको दो थप्पड़ लगा के आओ है ना या तुम भी कल को उसकी चीज खींच लेना छीन लेना उससे लेकिन इज इट राइट ठीक है ना आज वो ये तो है नहीं कि उसी बच्चे से जाके खींचेगा वो हो सकता है कल को किसी और बच्चे से खींच ले हो सकता है वो बच्चा जो सामने वाला है वो बहुत सरल था उसने कुछ नहीं कहा लेकिन अपने बच्चे को आदत पड़ गई खींचने की है ना तो इसलिए अपने को बहुत केयरफुल रहना है हम बच्चे को क्या कह रहे हैं हाँ भूमिका कुछ हाथ रेस किया हाँ चारू जय जी ने तो यही पर एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अभी थोड़े दिनों पहले ही एक हुआ इंसिडेंट ऐसा कि मेरा छोटा बेटा है तो उसको किसी ने किसी बच्चे ने कुछ कह दिया जो उसको अच्छा नहीं लगा और वो रोने लग गया एंड देन उसने आके सीधा मुझे बताया कि मम्मी मुझे ऐसा कहा मुझे अच्छा नहीं लगा ठीक है तो उसको कुछ समझाने की जगह पहले पूरी बात पूछ के फिर जिस बच्चे ने उसको कहा उसको उस टाइम पर बुलाकर उससे बात समझ के क्लियर करके और समझा के कि बेटा अच्छा ये ऐसा बोलना ठीक नहीं है और ये ऐसा बोलना ठीक है और फिर उन दोनों के सुलह करा दो तो इज देट अ प्रॉपर वे कि उस टाइम भी सरल बन जाओ कि अरे कोई बात नहीं छुपी बैठ जाओ नहीं क्लेरिटी तो डेफिनेटली रादर देन अभी कोई इशू क्लेरिटी करवाना इज अ गुड थिंग ठीक है ना तो एटलीस्ट आपने उसको ये सजेस्ट नहीं किया कि भई उसने आज तुम्हारा दिल दुखाया तुम कल को उसका दिखा देना यू नो तो उस तरह का बिहेवियर अपने को उनको नहीं सिखाना है ना तो बेटर कि आप कम्युनिकेट करो कि आपको क्या लग रहा है बुरा तो आप आगे हाँ बच्चे की सरलता की तभी उसे... आउट करेंगे कि क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन ढूंढेंगे हाँ बच्चे okay. की सरलता हाँ। तभी उसे बुरा लगा राइट right? तो हमें उस सरलता हाँ. को बनाए रखने के लिए उसके उस इमोशन हाँ. को एक्नॉलेज करना है कि हाँ तुम्हें बुरा लगा क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो right. है ना right. तो हाँ. इस तरह से हमें उसके उस गुण को बनाए रखने का गोल है हमारा ठीक है ना सरलता उसका बना रहना चाहिए हाँ, और उसके अंदर दूसरे बच्चे के लिए बहुत खराब भाव भी ना आए ये भी मेक श्योर sure करना है क्योंकि जहां खराब भाव आए तो खुद की सरलता चली जाती है हाँ, वो तो मतलब जब आप क्लैरिटी और दोनों को साथ मिला के बात कर लेते हो फिर हाँ, दोनों ही कर लेते हैं फिर दोनों ही सॉरी हाँ, एक दूसरे को बोल के जो भी करते खत्म हो जाता है राइट वहीं पर है ना तो इसलिए अपने में जो चार भावनाएं बताई हैं प्रामोद कारुण्य मैत्री भाव है ना मैत्री भाव क्या है ये ही है बेसिकली कि हमारे जैसा और दूसरा जो है हम उसमें ना ढूंढे बल्कि हम जैसे अपने को मानते हैं, वैसा हम, उसे भी माने। हम अपने ठीक है ना तो ये मैत्री भाव है जैसा हम अपने आप को मानते हैं वैसा उसे भी माने ठीक तो इस तरह से हम अपनी सरलता को आज के माहौल में भी बनाए रख सकते हैं और आप देखिएगा कि भले ही वो आज के टाइम में बहुत सक्सेसफुल भले ही ना माने जाए क्योंकि सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू सरलता या मायाचारी सक्सेस इज रिलेटेड टू उसके कर्म का उदय कैसा है उसने पूर्व भाव में अच्छे कार्य किए थे तो पैसा तो कर्म से आता है ठीक है ना तो इसलिए हमें उस चीज को बिल्कुल रिलेट नहीं करना चाहिए कि जो जितना चालाक है वो उतना सक्सेसफुल है ये हमारी गलत डेफिनेशन है ठीक है ना तो अपने को एज अ पेरेंट पहले अपनी क्लैरिटी रखनी है कि हम क्या सिखा रहे हैं ठीक है ना और हम किस लेवल पे खुद अप्लाई कर पा रहे हैं वो चीज को तभी हम दूसरे को उनको सिखा भी पाएंगे मेक सेंस सपना एंड नंदा जी आपने जो पूछा था या या थैंक यू काफी क्लियर हुआ बट हाँ हां थोड़ा सा मतलब ऐसे अपने आप को उसमें ढालना ऑफ कोर्स इतना कुछ पढ़ने के बाद ना हाँ. कहीं-कहीं हम अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं गुस्से में या हाँ. आ, किसी से मान कसाई में भी हम अपनी चीजों को नीचे करते हैं बिकॉज़ हम इतना पढ़ रहे हैं राइट right? हाँ. बट हां वही आज इतनी आज की जनरेशन और ये जितना भी पंचम काल चल रहा है या जो भी है लोग एक दूसरे को ना धक्का देने में लग रहे हैं अगर रहे है। आज आप नहीं दोगे तो कल दूसरा आपको दिक्कत चला जाएगा हां लेकिन हाँ लेकिन सपना जी एक चीज याद रखिएगा कि समय और कर्म किसी भी डिपेंड नहीं करता सबके साथ समान है हर काल में कर्म अपना सेम प्रभाव देता है अगर हिंसा करेंगे तो हमारा खराब कर्म बंधेगा ही बंधेगा है ना हुँ. तो अपने को भले ही ये पता है कि ठीक है आज का समय कैसा है लेकिन उसमें भी हमें सामंजस्य मान के चलना है बैलेंस लेके चलना है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा मेरे को उतना ही मैं आ, अपने आप को सैक्रिफाइस करूं जितना बहुत जरूरी हो तभी ठीक है अदरवाइज जितना पॉसिबल हो सके हमें जो कहा गया है सरलता से रहना अहंकार नहीं करना हिंसा नहीं करना उनको फॉलो करना ये अपनी लाइफ की वैल्यूज बन जानी चाहिए है ना hmm. और फिर हम जब okay. वैल्यू के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं तो कभी ना कभी हम एक सेल्फ एस्टीम के साथ जीते हैं और वो सेल्फ एस्टीम इज वे बिगर देन जो आज का इंसान जीता है ना उससे बहुत रिच क्वालिटी के साथ जी पाता है ठीक था थैंक यू ठीक है तो मन में कुछ वचन में कुछ और प्रकट में कुछ यह प्रवृत्ति कुटिलता या मायाचारी है तो ये सबको अपने अंदर देखना पड़ेगा इसमें कोई किसी को देखकर उसके हाव भाव देखकर या उसके बोलचाल देखकर नहीं बता सकता ठीक है तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी अपनी सोल के लिए है कि हम कितने ऑनेस्ट हैं ठीक है ना तो ये मायाचारी कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है धार्मिक क्षेत्र में भी हो सकती है और संसार के कार्यों में भी हो सकती है ठीक है ना और जितना ज्यादा हम धार्मिक कार्यों में मायाचारी करते हैं तो उसका परिणाम हमें ज्यादा मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है ठीक है तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि धार्मिक कार्यों में एटलीस्ट हम कभी भी आ, मायाचारी ना करें ये धार्मिक कार्य में मायाचारी का क्या मतलब आप जब यस uh, yes. uh, धार्मिक कार्य में मायाचारी जैसे कि हमने व्रत रखा है और uh, मतलब किस पर्पज से रखा है लेकिन बाहर में हम कुछ और बता रहे हैं यू you नो know? इस तरह से ये मतलब हुआ कि आपने जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उसको ना छुपाएं और uh, जो अंदर में है जिस पर्पज से आप जो कर रहे हैं जैसे भगवान आप मंदिर जा रहे हैं तो किस पर्पज से जा रहे हैं ये आपको पता रहना चाहिए यू नो तो वो माया मतलब अपने आप से ऑनेस्टी कहलाएगी धार्मिक कार्य में ठीक है ना कि आप विधान आदि कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ है लेकिन आप बाहर से कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए समझ रहे हैं आप तो इस तरह से ये धार्मिक कार्य की मायाचारी कहलाती है हाँ बिल्कुल और एक्चुअली एक, एक चीज और आज मन में आ रही थी कि ये सब लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो कुछ मत मांगो तो हम क्योंकि उसको भगवान को अपने से सबसे ज्यादा निकट और उसी को सब करने वाला समझ के उसपे हम मतलब जिसमें डिपेंड हो रहे हैं कि और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता करने वाले सिर्फ तुम हो तो फिर अगर हम उससे कुछ मांग रहे हैं तो क्या गलत है और हम हमें तो कोई और दिख ही नहीं रहा कि जो हमारी हेल्प कर सकता है सिर्फ वही है हमारी हेल्प करने वाला हाँ. तो एक ही पूर्ण समर्पण नहीं है या मतलब उस केस में भी हमें हाँ. कुछ दिन पहले ही जिज्ञासा समाधान में क्वेश्चन आया था तो उसी का आंसर मैं आपको जस्ट कम्युनिकेट करते हूँ ठीक है जैसा आपने कहा कि वो ही एक हमारा करने वाला है है ना हम और कहाँ जाएंगे अग्रीड ठीक है इसको पूर्ण समर्पण कहते हैं लेकिन पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे आपने कभी नोटिस किया हो छोटा बच्चा है जो कि पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है तो पेरेंट उसकी ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं बिना उसके मांगे ठीक है ना बच्चा सिर्फ इंडिकेशन देता है जरूर के या कैसे भी कि उसको भूख लगी है या उसको कुछ जरूरत है और पेरेंट राइट देयर उसको टेक केयर करते हैं तो महाराज जी क्या कहते हैं कि भगवान को ये मत कहो कि मेरे लिए ये कर दो मेरी ये तकलीफ है मेरी ये तकलीफ दूर कर दो ठीक है कि भगवान को हमें आदेश ना दे के भगवान ये कर दो भगवान को बस बताना रहता है इन्फॉर्म करना कि मेरे को ये तकलीफ आई है That's it. और वो नहीं भी कहोगे तो भी उन्हें पता है लेकिन ठीक है अगर हम एटलीस्ट बोल कर अपने मन को हल्का कर रहे हैं तो सिर्फ बोल दो कि ये तकलीफ है ठीक है ना उसके बाद कैसे दूर करेंगे कब करेंगे वो उनके ऊपर छोड़ दो दैट्स वी सेट और फिर से बच्चे को भी तो रोना पड़ता है माँ बाप का हाँ ना थोड़ा पता पता बताना पड़ता है लेकिन कई बार बताए भी, भी समझते हैं, है ना की बच्चा बहुत देर हो गई खाना नहीं खाया इसने तो खाना दे देते हैं है ना बच्चे को कोई मतलब ही नहीं रहता उसको पता है पेरेंट टेक केयर करने वाले हैं है ना तो इस तरह से अपन बच्चे की तरह से अगर हम एक भगवान के साथ ऐसा ही संबंध बना ले तो और भी इंजॉय कर पाएंगे है ना फुल ट्रस्ट में आ जाएगा ये चीज फुल जो है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं ठीक है और बाकी तो जो होता है वो होना तो कर्म से है बेसिकली भगवान तो सिर्फ निमित्त बनते हैं हमारे पुण्य कर्म के अर्जन करने में ठीक है ना काम पुण्य से होता है भगवान निमित बनते हैं ठीक है, है? तो इस माया कषाय को जीतकर मन वचन और काय की क्रिया में एक रूपता लाना उत्तम आर्जव है ठीक है तो ये सब अपनी अपनी लाइफ में कोशिश करें और इसके लिए जो आज का समय अगर देखें तो उसका एक ही सॉल्यूशन है सत्संगति अच्छे लोगों के पास अगर हम रहें तो हमारे लिए ये सब फॉलो कर पाना ज़्यादा इजी हो जाता है है ना जैसे कि आश्रम है आश्रम में सबको एक ही सा जैसा रूल फॉलो करना है कोई किसी को दिखावा नहीं है कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं है तो सोचिए वहां पर क्या मायाचारी करने वाले लोग ज्यादा होंगे या कम होंगे करें वो अलग बात है वो उनकी भूल है कि ऐसे माहौल में भी कोई मायाचारी करे लेकिन चांसेस आर वेरी रेयर और पॉसिबिलिटीज ऑफ लिविंग ए सिंपल लाइफ इज वेरी हाई जहाँ सब एक जैसे हैं है ना तो इसलिए सत्संगति से हम अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा बेटर कर सकते हैं फिर है उत्तम शौच शौच का मतलब है पवित्रता सफाई ठीक मद क्रोध आदि बढ़ाने वाली जितनी दुर्भावनाएं हैं उनमें लोभ सबसे प्रबल है इस लोभ पर विजय पाना ही उत्तम शौच है ठीक है तो दुर्भावनाएं अंदर में होना मेलेस बोलते हैं ना जिसे गंदगी एक तरह की दुष्परिणाम परिणाम अंदर में आना परिणामों का खराब होना है ना कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए मेरा ही नाम हो दूसरे का ना हो है ना इस तरह के जो भाव आते रहते हैं कई बार ये अपनी डिस्कशन भी आई थी कि बैठे बैठे जो हम नेगेटिव सोचते रहते हैं राइट तो ये किस वजह से है नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव कषाय के भाव होना मान के भाव हो जाना ये सब लोभ के कारण ठीक है तो लोभ जस कारण है ठीक और उसमें ऐसी भावनाओं का होना दुर्भावनाओं का होना हमारी अपवित्रता भावों की अपवित्रता को बताता है ठीक तो हमें खुद पता होगा हमारे भाव कैसे हैं, ठीक है ना हमारे अंदर भाव दूसरों के कल्याण के भाव हो रहे हैं या दूसरों से बेटर मैं ही बनूं, वो मैं ही सब कुछ रहूं तो उस तरह के भाव हैं तो ये कैसे भाव हैं ये अपने को अंदर में पता रहेगा ठीक तो एक तो मायाचारी के भाव हो गए जिसमें हम कहते कुछ है करते कुछ है एक हो गए दुर्भावना वाले भाव जिसमें हमारे अंदर तो ये है कि आगे ना बढ़े राइट और हम ऊपर से कुछ बोलते रहे ठीक है ना तो ये दुर्भावना कहलाएगी हमारे अंदर अपवित्रता है और जिसके अंदर अपवित्रता है तो वो नुकसान किसका कर रहा है सामने वाला तो जो वो बोल रहा है उसको मान रहा है लेकिन अंदर की जो दुर्भावनाएं चल रही हैं वो तो उसी को मालूम है ना उसी का नुकसान हो रहा है उसका ही नुकसान हो रहा है ना तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ अपने कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं राइट मुनिराज जो है इनको फॉलो करते हैं सिर्फ अपने कल्याण के लिए इसलिए ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम ये वाकई में वो फॉलो करते हैं ठीक है भले हमें हमारे लिए ये सिर्फ रिटर्न मैटर हो गया कैसे करते होंगे इ नॉट इट्स नॉट इवन पॉसिबल दीज डेज हमारे अंदर तो ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं. लेकिन मुनि जो हैं, वो इसको फॉलो करते हैं लिटरली ठीक अब है उत्तम सत्य दूसरों के मन में संताप उत्पन्न करने वाले निष्ठुर और कर्कष्ट कठोर वचनों का त्याग कर सबके लिए हितकारी और प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है अप्रिय सत्य भी असत्य की कोटी में आ जाता है ठीक तो मन में दूसरे के मन में संताप हो भले ही हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो सच बोल रहे हैं ना हम दूसरे को जो बता रहे हैं बिल्कुल उसमें गलती क्या है सही तो बोल रहे हैं है ना हमें कितना भी हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि हम सही बोल रहे हैं लेकिन अगर उससे दूसरे के मन में संताप हो तो वह सच की कैटेगरी में नहीं आएगा ठीक है ना तो ये बहुत बड़ी चीज है ये हमें समझना चाहिए कठोर वचनों को कई बार कहते हैं ना कड़वा सच तो कड़वा सच कभी सच की कैटेगरी में नहीं आता ठीक कठोर वचनों का त्याग कर, मतलब जो वचन यूज किए हैं माना कठोर सच कई बार हार्ड होता है राइट जैसे कि राग मत करो है ना ये भी कठोर है एक तरह से देखा जाए तो राइट लेकिन उसको कैसे वर्ड्स के साथ प्रेजेंट किया गया है उसमें हमें कहीं हमने दूसरे को नीचा तो नहीं दिखा दिया राइट इस तरह के वर्ड्स तो नहीं यूज किए कि भाई तुम्हें तो हमेशा अपने परिवार वालों की पड़ी रहती है कितना लेके जाओगे किस किस को साथ इस तरह के वचन नहीं बोलने चाहिए दूसरा किस मन स्थिति से है हो सकता है बहुत इमोशनल हो है ना और उसको उस चीज का बहुत ज्यादा आघात पड़ जाए इसके लिए बोला कि सबके हितकारी और प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म है ठीक है हित करने वाले हो और प्रिय हो ठीक और अप्रिय सत्य भी असत्य की कोटी में आ जाता है ताकि कोई भी दूसरे के दिल दुखाने में ना लगा रहे ऐसा सच भी नहीं बोलना जो अप्रिय हो अच्छा ना लगे ठीक है तो अपने को अगर सच बोलना भी है तो हम अपने शब्दों का जो चॉइस है या हमारी जो टोन है ठीक है वो हम ध्यान में रखकर बोले तब जाके वो सत्य की कोटी में आएगा नहीं तो फिर हमारे को असत्य बोलने का जो कर्म बंधता है वैसा कर्म बंधेगा ठीक है तो इसलिए मुनिराज जो हैं, हमेशा हित मित प्रिय वचन बोलते हैं ठीक है थीके? है ना कभी देखा है किसी मुनिराज को गाली गलौच करते हुए नहीं करते है ना तो इसलिए मतलब बहुत सोच समझ कर वो अपने शब्दों को चूज करते हैं ठीक है ना? उत्तम संयम संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण पांचों इंद्रियों की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखकर उनकी अनर्गल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना उत्तम संयम है है ना क्योंकि शरीर में इंद्रियां हैं, राइट आत्मा की तो कोई इंद्रिया नहीं है इस शरीर की इंद्रियां हैं तो इन इंद्रियों को शरीर का मानकर शरीर के अकॉर्डिंगली ये चल रही हैं मुझे इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलना है ना तो ये क्या है ये आत्मनियंत्रण है ठीक तो इनको अंकुश में रखना इनको संभाल कर रखना ये हमारी स्वामी ना बन जाए इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो ये उत्तम संयम है इंद्रियों को शरीर से रिलेटेड जानकर उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना ठीक उनकी अनर्गल प्रवृत्तियां मतलब बेफिजूल की ठीक है जो फालतू की प्रवृत्तियां उन पर नियंत्रण रखना उत्तम संयम है मन का कुछ भी कार्य हुआ कहीं जाना है कि मन हो रहा है ये देखने का मन हो रहा है ये खाने का मन हो रहा है ये सुनने का मन हो रहा है तो ऐसे उसको अनियंत्रित नहीं छोड़ना तो अपना संयम रखेंगे किसके लिए संयम रख रहे हैं आत्मा के लिए रख रहे हैं क्योंकि इंद्रिया जो हैं वो अनित्य हैं छोड़ के छूटने वाली हैं है ना साथ कौन रहेगा आत्मा रहेगा साथ में आत्मा और कर्म साथ रहेंगे तो अगर हम इन इंद्रियों से कर्म बांधते रहेंगे तो हम आत्मा का कल्याण कैसे कर पाएंगे राइट तो इसलिए इंद्रियों पर संयम रखना ठीक वो उत्तम संयम है तो आत्मा के कल्याण के लिए संयम रखना इस उत्तम संयम अदरवाइज देखा जाए तो एक कैदी भी संयम रख सकता है है ना उसको कहीं बाहर जाने का घूमने का कोई चॉइस ही नहीं है तो वो शांति से बैठा है तो उसे संयम नहीं कहेंगे है ना इसलिए यहाँ पर क्या है आत्मा के कल्याण के लिए जो भाव रख के और संयम किया जाए वो उत्तम संयम है वो बाय चॉइस है ठीक है ना वो फोर्स नहीं है तुम्हारे ऊपर लेकिन मुनिराज क्या है बाय चॉइस संयम रखते हैं ठीक है ना उन्होंने क्यों ऐसा चॉइस किया होगा कि मैं संयम रखूं इंद्रियों पर नियम लगा दूं रूल्स बना दूं व्रत रख लूं क्यों ऐसा सोचा होगा आत्मा की निर्जरा के लिए कर्म निर्जरा आत्मा और कर्म निर्जरा हम्म क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कंटिन्यूअसली इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते रह जाएंगे और इच्छाएं पूरी करेंगे तो नए नए इच्छाओं से नए नए कर्म बनते रहेंगे है ना तो कर्म का उनका पर्पज क्या है गोल क्या है कर्मों को जो बंधे हैं उनको खत्म करना और नए कर्मों को रोकना ठीक है ना सिर्फ इंद्रियों का पोषण करना जो कि इंद्रिया जो है शरीर के लिए हैं शरीर की वजह से हैं और शरीर क्या है कर्म से मिला है तो अगेन उनका फोकस ही शरीर नहीं है है ना शरीर से सिर्फ पाप कर्म को हम आश, नए कर्मों को बांध सकते हैं इंद्रिया पर अगर ध्यान ना दें, राइट और फोकस सिर्फ आत्मा पर रखेंगे तभी हम कर्मों को काट पाएंगे ठीक तो इसलिए मुनिराज जो है उत्तम संयम का पालन करते हैं ठीक है तो अब अगर कभी हमें करना हो तो हमें भी उत्तम संयम को ध्यान में रखकर कोई भी नियम लेना है कि मैं अपनी आत्मा के लिए संयम ले रहा हूँ और कोई कारण नहीं है है ना कई बार कई लोग पाए जाते हैं जो वेट कंट्रोल करने के लिए अच्छी हेल्थ के लिए संयम रख लेते हैं व्रत आदि कर लेते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है उससे हमें ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है ठीक है ना और किसी को कोई क्वेश्चन लादू मुझे एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड नहीं है बट मुनियों की चर्या से रिलेटेड है आई डोंट नो आगे आएगा कि नहीं आएगा okay. बट क्वेश्चन ये है कि मुनि महाराज जैसे स्नान नहीं करते राइट uh -huh. तो वो समझ में आता है कि चलो जल में जीवों की हिंसा से बचने के लिए uh -huh. वो स्नान नहीं करते तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो हम क्यों करते हैं? उसमें भी तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि जल की जल की हिंसा हो रही है जीवों की हिंसा हो रही है तो वो समझा हाँ, 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 तो वो चीज वैसे आगे आएगा ये स्नान जो उनका गुण है उसका पार्ट हुँ. है ये और भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो वो जल जो है वो प्रासुक जल रहता है राइट उसमें जीव नहीं रहते ठीक है ना? फिर महाराज जी के लिए भी प्रसुख जल की उपलब्धि हाँ, करा के ऐसा करा सकते हैं क्या हाँ नहीं 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 उनका पर्पज यह है देखिए स्नान के लिए फिर उनको पानी अरेंज करना और वो सब तो वो दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे ठीक है ना अगर वो इस तरह के कार्य करेंगे जो डे टू डे की चीजें हैं राइट तो इस वजह से उनको सारा अरेंजमेंट देखना पड़ जाएगा कि वो नहाने के लिए उनको पानी अरेंज करके श्रावक देगा राइट ही, इस वजह से डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर ठीक है ना तो वो एक कारण है उनका अस्नान का और, और बाकी भी, भी कोई भी, बढ़ेगा ना फिर हाँ हाँ वही तो इस वजह से उनका इस पर नियम रहता है और देख लेते हैं स्नान का और उन्होंने तो घर का त्याग कर दिया है तो स्नान तो करेंगे ही नहीं ऊपर था स्नान हाँ हां नहीं नहीं यहां पर कुछ लिखा नहीं है बट क्या है कि उनका शरीर कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता पहली बात क्योंकि वो रत्नत्रय के मार्ग पर है ना तो उनका शरीर हमारे शरीर की तरह गंदगी वाला नहीं माना जाता इवन भले भगवान का शरीर भगवान की मूर्ति हम अपवित्र मान सकते नहीं 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 भगवान का अभिषेक जो होता है वो अपवित्र शरीरे इसलिए नहीं करते भगवान के शरीर का जो हम अभिषेक करते हैं वो अपने पापों के प्रक्षालन के लिए करते हैं भगवान का अभिषेक का साइंस डिफरेंट है हमें क्योंकि उनके शरीर से छुआ हुआ जल गंदोदक की तरह चाहिए रहता है ठीक है तो इस वजह से हम अभिषेक करते हैं बिल्कुल भी तो मतलब फिर हाँ, तो तो फिर हाँ तो फिर ऐसा क्यों मान्यता है कि प्रतिष्ठित मूर्ति का रोज अभिषेक होना ही चाहिए हो यही चीज है ना कि प्रतिष्ठित है तभी उसमें वो चार्ज है जो कि हमारा कल्याण कर सकता है पर वो तो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो जरूरत नहीं, है, तो तो हाँ, नहीं है पर हमें अपने अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए हमें वो जल चाहिए तो वो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो उसमें फिर वो वो क्यों होता है कि जरूरी नियम ही है करना ही है तो हाँ। वो क्यों होता है जब वो हमारे स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं भगवान तो नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा तो... अगर अगर होगा तो सभी अपने अपने घर में लेके रखेंगे और जब उनको तकलीफ हुई तब अभिषेक करा नहीं तो नहीं किया तो बहुत बड़ी अभिनय होगी इसमें मुझे लगता है एक कारण ये भी हो सकता है चारों की धूल मिट्टी भी तो प्रतिमा के ऊपर चढ़ जाती है बिल्कुल भी नहीं है धूल धूल तो के लिए हम प्रक्षालन करते हैं किसी कपड़े से पहुँच भी सकते हैं अभिषेक का पर्पज ही टोटली डिफरेंट है तो हम कि अभिनय ना हो सब अपने अपने घरों में प्रतिष्ठित मूर्तियां रखने लगे जैसा कि आई थिंक साउथ साइड में होता भी है तो उस चीज से अवॉइड करने के लिए अभिनय को तो तो अवॉइड होता है हमारे सभी के घर में मूर्तियां रहती है अच्छी अच्छा और तो मंदिर भी है पास में ऐसे भी होता है तो आपके घरों में जो मूर्तियां होती हैं आप उनका रोज अभिषेक करते हैं नियम से नियम से करते हैं। और जब भी नहीं हुआ तब कुछ ये होता है सुतक या वृद्धि पंडित आके तो मंदिर में रखते हैं है। फिर आठ दिन ऐसे नहीं करना पड़ता कभी तेरह दिन तब तो मंदिर में लेके जाते हैं वो।, तो वो व्यवस्था हो गई ना उसी तरह के हाँ। कि तो या ऐसा हम करते हैं ना पर वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है उसमें हमने प्राण लगाए हुए हैं इसीलिए हमें प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा जी का हर रोज अभिषेक करना होता है फिर स्नान प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा तो उसका कोई जरूरत नहीं है कि हमें हर रोज उसका अभिषेक करना है और है ना हम देखते हैं तो साधु महाराज जी जो होते हैं उनका हम पात्र प्रक्षालन करते हैं राइट पर उनको हाँ। स्नान नहीं आता है स्नान इज अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली गृहस्थ के लिए स्नान जरूरी है और मुनि हाँ। महाराज की जो देह है वो रत्नात्रय धारण करने के कारण पवित्र मानी जाती है किसी भी अवस्था में ठीक है वो भी है और बिकॉज ऑफ व्रती है इतने बढ़िया तो उनके शरीर में से कोई स्मेल भी नहीं आती है हाँ, कभी हाँ, भी नहीं, हाँ, नहीं हाँ, आती हाँ हो जाता है उनके व्रत का हाँ, उनके कभी में? भी नहीं आती है उनको स्नान करने की कोई जरूरत ही नहीं और स्नान करने का हम सोचते हैं तो उनको फिर चावल की जरूरत पड़ेगी श्रावक को मदद करनी पड़ेगी यू नो ऑल थिंग्स तो परिग्रह बढ़ता है इसीलिए नहीं करते हैं। कभी भी भगवान शिक्षा ले हाँ, लेने कभी नहीं, नहीं 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 वही इसीलिए वही क्वेश्चन आ रहा था कि फिर हम सेम चीज हम भगवान तो और भी बड़े हैं ना तो फिर न, नहीं भगवान को हम स्नान नहीं कराते, कराते वही बात आप ध्यान रखिएगा स्नान नहीं कराते हम अभिषेक करते हैं अभिषेक एक बहुत अलग प्रक्रिया है ठीक है ना तो उसका साइंस जो है वो आई विल शेयर दैट मतलब अगर समझना है तो अपन समझ सकते हैं और बाकी तो फिर व्यवस्था है जहाँ की भी कई जगह पर जैसा कि अभी अपन ने देखा कि कई घरों में रखते हैं और कई जगहों पर नहीं रखते हैं तो वो एक अलग व्यवस्था है जिस पर कि आप अलग से चर्चा कर सकते हैं है ना ठीक है थैंक यू ओके चलिए और अभिषेक भी करते तो मिनिमम जल से हम करते हैं नहीं कि बाल्टी भर भर के करते हाँ। <laughs> स्तुति જાવાની કે જ્ઞાન સે સૂછેલો લોક સોવાણી મસ્તક ધરો સદા દેત હુ દોક હિજિન વાણી ભારતી તો હિજ પોન રેન જોરા ગહે સો પાવે સુખ ચેન નો કર